नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आज आपका 197वें दिन का ईश्वर वरदान, और इस वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है, उसमें जाने से पहले हम इस लिंक पर जाएंगे जहाँ पर आप जाकर के योगासन, डाइट और स्लीप, सोने की कला को सीख सकते हैं। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा इस वरदान में कहते क्या है। एक शब्द परमात्मा ने यूज़ किया है जिसको कहते हैं कर्मातीत। ये हमारी आखिरी स्टेज है, या तो हम पवित्र संस्कार लेके जाएंगे अगले जन्म में, या तो फिर अपवित्र संस्कार। वो डिपेंड करता है इस पुरुषार्थ पर, इस मेहनत पर। तो देखें बाबा कहते क्या हैं आज। बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। बाबा विस्तार में कहते हैं, आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। आजकल के साधन क्या हैं, जैसे कि आप इस मोबाइल फोन, यूट्यूब के द्वारा इस वीडियो को देख पाते हैं, आप फोन के द्वारा औरों से बात कर पाते हैं। आजकल 7 डेज का कोर्स तो लोग मोबाइल पे भी कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूब के थ्रू, जूम के थ्रू, ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन आगे चलकर ये सब कुछ नहीं होगा। तो समझते हैं कैसे। परमात्मा कहते हैं भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। पहले की लिखी हुई मुरली है, लेकिन परमात्मा ने भविष्य पहले ही बता दिया कि जब वर्ल्ड वॉर 3, महाविश्व युद्ध शुरू होगा, तो उस समय सैटेलाइट्स गिरी हुई होंगी। आपके उस समय पत्र नहीं चलेंगे, आपके टेलीग्राम नहीं आएगा, आपका टेलीफोन नहीं काम करेगा, आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। जब सैटेलाइट ही नहीं, तो क्या काम करेगा आपका। तो उस समय क्या, उस समय जो आत्मा की शक्ति होगी, आत्मिक शक्ति, जो कि अशरीरी फील करने वाली, जो हम मेहनत अभी कर रहे हैं कि शरीर को भूलो, अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा का बच्चा समझो। तो अभी जो मेहनत करवा रहे हैं परमात्मा, लास्ट में जो त्राही त्राही करेंगे, हाय हाय करेंगे, अरे मेरे बच्चे से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, अरे मेरे पति से मेरी बात नहीं हो रही, अरे मेरी पत्नी कैसी, उससे बात नहीं हो पा रही फोन पे, उस समय जो आत्माएं इन चीजों पर निर्भर नहीं होंगी, और मेडिटेशन के द्वारा, जो संकल्पों के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा आपस में बात कर पाएंगी हजारों हजारों किलोमीटर दूर, वो एक दूसरे को पहचान पाएंगी, जान पाएंगी, उनकी सेहत सब कुछ समझ पाएंगी। तो वो मेहनत परमात्मा अभी से करवा रहे हैं हमें, अशरीरी पन की जो मेहनत है इस मेडिटेशन में। तो परमात्मा कहते हैं टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे उस समय। ऐसे समय पर वायरलेस स्टेज चाहिए। वायरलेस मतलब कि आत्मा बिल्कुल संकल्पों के द्वारा औरों से कांटेक्ट कर पाए, इसके मीडियम के द्वारा भी नहीं, मैं अपने संकल्पों के द्वारा आपको इस ज्ञान के बारे में बता पाऊं, इतनी मेहनत करनी परमात्मा कहते हैं। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज में स्थित करने का अभ्यास करो। कर्म कर रहे हैं परमात्मा की याद में, और कर्मातीत स्टेज मतलब कि आप भूल ही गए हो कि आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आपको आभास ही नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर संस्कार पहले ही बैठे हुए कि आप हर चीज जो कर रहे हो परमात्मा की याद में कर रहे हो, तो जरूर पवित्र होना ही है, अच्छा होना ही है। परमात्मा की याद में मतलब ये नहीं कि एक दिन जाकर के नारियल फोड़ दिया और धूप घुमा दिया आपने मंदिर में जाकर के, और वो कार्य को शुरू कर दिया, बिजनेस को, और बीच में आप घोटाला कर रहे हो, बीच में आप गलत काम कर रहे हो। परमात्मा कहते हैं वैसे नहीं, आप हर घड़ी हर सेकंड परमात्मा की याद में कर्म करो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, वो सही होगा कि नहीं होगा, उसको कहते हैं परमात्मा की याद में करना। नहीं तो नारियल फोड़ दिया और 10 साल तक बिजनेस चल रहा है और 10 साल ही घोटाला कर रहे हैं, तो फिर वो परमात्मा की याद में नहीं हुआ, उससे कर्मातीत भी नहीं हो पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। कि आप कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप किसी भी कार्य में, लेकिन उस समय आप परमात्मा की याद में जब कर रहे हो, तो आपके थ्रू जो वाइब्रेशंस फैल रही हैं, वो पीस की वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस, सुख की वाइब्रेशंस फैल रही हैं। आप घबरा घबरा के काम नहीं कर रहे हो। घबरा घबरा के काम करने से, परमात्मा की याद के बिना काम करने से, वो विकर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है, और साथ ही साथ आपकी वाइब्रेशंस कैसी जारी होंगी चारों तरफ। परमात्मा ने हमें यह याद दिलाया कि जब आप अपने आप को आत्मा समझते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको तीसरा नेत्र खुलता है, मतलब कि आपको आत्मिक शक्ति बढ़ती है आपकी। तो आपके जो थॉट्स हैं, संकल्प है, वो चारों तरफ ब्रह्मांड में फैलते हैं, और उनकी शक्ति चारों तरफ फैलती है, और उसका असर औरों को भी पड़ता है। तो आप सोचिए जरा कि हमें कितना परमात्मा की याद में रह करके, इस मेडिटेशन को सीख करके कर्म योग कैसे करना है। माताओं के लिए, बहनों के लिए जो हैं, माताएं घर में काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं, भगवान की याद में पकाएं, उसका वाइब्रेशन खाने में जाएगा, औरों को असर पड़ेगा। पानी पीते समय आप वाइब्रेशन में धन्यवाद करते हुए पानी को, नहाते समय पानी को धन्यवाद करें, हवा को धन्यवाद करें आप, उसका वाइब्रेशन हवा में जाएगा, पानी में जाएगा। धरती जो कि आपको अन्न देती है, उसको धन्यवाद करें, उसका वाइब्रेशन आपका प्योरिटी का धरती में जाएगा, उसको भी मदद मिलेगी, धरती को भी, 5 तत्वों को भी मदद मिलेगी।
तो उस समय ऐसे सोचते सोचते कर्म करते हुए अगर हानि हो रही है तब भी आप बिल्कुल सेम स्टेज में हैं, आपको ना ईर्ष्या आ रही है, ना घृणा आ रही है, ना किसी पर क्रोध आ रहा है। अगर आपको बहुत ही फायदा हुआ, आप बहुत उछल रहे, बहुत ही एक्साइटेड हो रहे, वो भी नहीं हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं कि एक सम दृष्टि सम स्टेज में, एक ही स्टेज में रहना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज। तो परमात्मा चाहते हैं तब जाकर के आप क्या कर पाओगे, सहयोग दे पाओगे औरों को मदद कर पाओगे, तब जाके आपकी वाइब्रेशंस और को टच कर पाएंगी। लास्ट के समय में ऐसी हालत होगी कि आप जब फोन नहीं कर पाएंगे तो आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा ठीक है, आपको कैसे पता चले कि आपके जो रिश्तेदार है वो ठीक है, वो आप संकल्प शक्ति के द्वारा कर पाएंगे। अगर आपके संकल्पों में अगर हाय हाय है, अगर हाय तौबा मचा रहे हैं, तो आपके थॉट्स में पावर ही नहीं कि आप कैच परंपरा कर पाए कि उनकी हालत कैसी है, जो कि किसी कॉलेज में बैठे हुए हैं या किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं। तो इतनी शक्ति चाहिए कि आप बैठे बैठे ही मेडिटेशन में आप पता कर पाए कि हाँ वो ठीक है, या आप उनको गाइड कर पाए, डायरेक्ट कर पाए कि यहाँ मत रहो, उधर चले जाओ। ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में आप बता सकते हैं किसी को भी, अपने रिश्तेदार को, कि इस घर से निकल जाओ बाहर, उधर चले जाओ आप। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में, इतनी पावर है। मैं भी ये सिद्धि पाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान नहीं है, मेहनत बहुत है, लेकिन कर सकते हैं। परमात्मा ने तभी तो आपको भी चूज किया है ये सुनने के लिए। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, गहराई से सोचिएगा इसके बारे में, और अंतिम समय के लिए हर एक को बहुत तैयारी करनी है। तो आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ओम शांति।